मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। उसके अंतर्गत हमने जिसका लेसन वन था उसको हमने इसके प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं और उसके भी इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। और आज हम करेंगे इसके अंतर्गत लेसन नंबर टू, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसके हम जो इम्पोर्टेंट प्रोज एक्सट्रैक्ट हैं उसको हल करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज नंबर वन से, पहले रीड करेंगे। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। इज योर स्कूल रेडी? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was no mean. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I ask him his name. Sahab E Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what is his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Ab yahan par जो लॉस्ट स्प्रिंग यानी छीना गया बचपन या छीना गया बसंत, ये स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के कहानी है। उसमें लेखिका जो रहती है वो उस लड़के से पूछती है जो कि क्या करता है, कचरा बीनने का काम करता है। उससे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए स्कूल खुलवा दूं, तो क्या तुम स्कूल पढ़ने आओगे? वो बच्चा बोलता हाँ मैं आऊंगा। कुछ दिन बाद वो बच्चा फिर लेखिका के पास आता है और बोलता आपका स्कूल खुल गया। तो लेखिका को बड़ा शर्मिंदगी झेलना पड़ती, बोलती नहीं स्कूल खोलने में तो बहुत टाइम लगेगा और जब खोलूंगी तब तुम आ जाना। कुछ दिन बाद वो देखती है, उससे बुला के फिर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा अपना नाम बताता है, साहब ए आलम, यानी पूरे विश्व का स्वामी। लेकिन उस बच्चे को शायद इस नाम का मीनिंग नहीं पता रहता, नहीं तो शायद उसको कितना कठिन समय लगता ये विश्वास करने में कि उसका नाम साहब ए आलम है और जो कि क्या बीन रहा है, कचरा बीन रहा है। धीरे धीरे लेखिका एक महीने बाद उसके सारे बच्चों के साथ, उसकी टोली के सारे बच्चों के नाम जानने लगती है। वो सुबह सुबह आते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, विच लिटरेरी डिवाइस इज देयर इन साहब नेम, जो साहब आलम नाम था उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? ए सैटायर, बी आयरनी, सी पैराडॉक्स या डी हाइपरबोले। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है वो है बी आयरनी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज द फ्रेज अबंड इन मीन, अबंड इन मीन का क्या एम है? तो ए है पॉलुलेट विथ, टीम इन, एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अबंड इन मीन का मतलब है ये तीनों, अर्थात डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डज द नरेटर फील एम्ब्रेस्ड, ए फॉर मेकिंग अ फेक प्रॉमिस, फॉर मेकिंग अ प्रॉमिस दैट शी कैन कीप, फॉर मेकिंग अ रियल प्रॉमिस, फॉर नॉट मेकिंग एनी प्रॉमिस। क्योंकि यहाँ पर उसने प्रॉमिस किया था कि वो स्कूल खोल लेगी और उस समय वो नहीं खोल पाती, उसको एम्ब्रेस्ड फील होता है। तो इसमें सही आंसर होगा ए, फॉर मेकिंग अ फेक प्रॉमिस। अब हम देखते हैं सेकंड पैरा में, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटनिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग फॉर देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. Next step.
Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dreams looms like a mirage amidst the dust of a street that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब यहाँ पर मुकेश नाम का एक बैंगल मेकर का लड़का रहता है जो खुद का स्वामी बनना चाहता, और वो कहता है मैं बैंगल नहीं बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊ, मैं बनूंगा मोटर मैकेनिक। लेखिका पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है, लेकिन वो कहता हाँ मैं सीख जाऊंगा ये सब, क्योंकि ये फिरोजाबाद में रहने वाले परिवार रहते हैं, जो फिरोजाबाद सिटी है वो किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस। अधिकतर फैमिली यहाँ की जो है वो क्या के लिए, चूड़ी बनाने, कांच के उद्योग और चूड़ी बनाने से लगी हुई है। अब इसके क्वेश्चंस देखें, व्हाट इज द फिरोजाबाद फेमस फॉर, इसका सही आंसर है ए बैंगल्स। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज मिराज मीन, मिराज का क्या मतलब निकलता है, इसका राइट आंसर है बी इल्यूजन। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मुकेश का जिंदगी के लिए क्या एटीट्यूड है, आंसर है सी ऑप्टिमिस्टिक। बच्चों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम पोम के एक्सट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट नंबर फोर। क्या है इसको पहले रीड करें। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow, lies in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments left next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circle of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. अब यहाँ पर वो चूड़ी बनाने वाले परिवारों के बारे में बताते हैं कि जो मुकेश की दादी रहती है वो ये कहती है कि ये तो हमारी डेस्टिनी, हमारी नीति है, हमारे कर्म है कि हम एक चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा हुए हैं, क्योंकि उसका पति खुद जो बैंगल की जो ग्लास से पॉलिश की जाती है ना, तो उसकी जो ग्लास डस्ट उड़ती है उसके कारण अंधा हो चुका था। वो कहती है क्या हम इस भगवान के बनाए नियम को तोड़ सकते हैं? नहीं, यहाँ फिरोजाबाद में जो भी कोई कौन सी जाति में पैदा हुआ है, चूड़ी बनाने वालों की जात में पैदा हुआ है, वो हर घर में, हर यार्ड में, हर घर में, किसी भी कोई कोना ऐसा नहीं है फिरोजाबाद का जहाँ पे लोग चूड़ी ना बनाते हों। बहुत तरह तरह कलर की चूड़ी, सुनहरी गोल्ड वाली चूड़ी, पैडी ग्रीन वाली चूड़ी, ब्लू कलर की, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, जो इंद्रधनुष के साथ रंग रहते हैं, उन रंगों से निकलने वाले रंगों की बनी चूड़ियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। वो इतना काम करते हैं, छोटे छोटे जो तेल के बनाए वाले दिए रहते हैं ना, कम रोशनी वाले, उन दियों में उनमें काम करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि उनकी आंखें बहुत ज्यादा एडजस्ट हो जाती है उस अंधेरी या कम रोशनी वाले कमरों में काम करने के लिए बजाय की लाइट से। इसीलिए जब वो बड़े होते हैं, तब तक जो बच्चे बड़े होते होते अपनी रोशनी खो चुके होते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया था जब मैंने चैप्टर समझाया था। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। पहला नंबर है क्वेश्चन का, व्हाट डज मुकेश ग्रैंड मदर से अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ए गॉड गिवन लीनेज, बी करम, सी रिचुअल, और डी है नन ऑफ द अबव।
यहाँ पर राइट आंसर है ए गॉड गिवन लीनेज. क्वेश्चन नंबर टू देखो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू बेंगल मेकर्स लिव, किस प्रकार की लाइफ बेंगल मेकर जीते हैं. पहला पैथेटिक, डी मिसरेबल, सी एंशियंट या डी ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों पैथेटिक, मिसरेबल और एंशियंट तीनों प्रकार की जिंदगी उनकी जीवन में चलती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, व्हाट डज देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड मीन, इसका क्या मतलब है कि उनकी आंखें अंधेरे में इतनी ज्यादा अनुकूलित हो गई हैं बजाय की बाहर की प्रकाश भरी दुनिया से. इसका आंसर ए देखें पहले, देयर आईज आर ब्राइट, देयर आईज आर वीक, देयर आईज आर वॉटरी, देयर आईज इज अडॉप्टेड डार्कनेस. इसमें राइट आंसर होगा डी, देयर आईज अडॉप्टेड डार्कनेस, मतलब उनकी आंखें जो है उन्होंने अपने आप को अंधेरे के प्रति अनुकूलित कर लिया है. तो बच्चों ये थे आपके चैप्टर नंबर टू के इम्पोर्टेंट प्रोज एक्सट्रैक्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एक्सट्रैक्ट करेंगे. थैंक यू बच्चों.